सुष्मिता सेन को लेकर इस वक्त बहुत बुरी खबर आ रही है। सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आया है। राहत की बात यह है कि सुष्मिता सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है। सुष्मिता ने खुद इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है। सुष्मिता ने अपने पिता के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया है कि पिता ने उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद एक मैसेज भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा, अपने दिल को खुश और साहसी रखो और जब भी आपको इसकी आवश्यकता हो तो मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। अपनी इस पोस्ट में सुष्मिता ने आगे लिखा है, मुझे कुछ दिन पहले दिल का दौरा पड़ा, एंजियोप्लास्टी की गई, जगह पर स्टेंट को लगाया गया और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने फिर से कंफर्म किया है कि मेरे पास एक बड़ा दिल है। बहुत से लोग अपनी समय पर सहायता और रचनात्मक कार्रवाई के लिए धन्यवाद करने के लिए एक और पोस्ट में ऐसा करेंगे। ये पोस्ट सिर्फ आपको मेरी शुभकामनाओं और प्रियजनों को अच्छी खबर के बारे में सूचित करने के लिए है कि सब कुछ ठीक है और मैं फिर से जीवन में कुछ नया करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। सुष्मिता की इस पोस्ट को पढ़कर सब सन्न रह गए हैं कि उनकी जान पर बन आई और वो इस बात को इतने मजाकिया लहजे में कह रही हैं। सुष्मिता पिछले कुछ दिनों से लगातार लाइमलाइट में हैं। पहले उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल से ब्रेकअप किया, फिर ललित मोदी के साथ उनकी कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिसके बाद खुद ललित मोदी ने दावा किया कि वो सुष्मिता सेन के साथ रिश्ते में हैं। इसके बाद सुष्मिता और रोहमन को फिर से करीब देखा गया। दूसरी तरफ सुष्मिता के भाई राजीव सेन और चारू असोपा का रिश्ता भी बार बार टूटता और जुड़ता रहता है। सुष्मिता किन हालातों से गुजर रही है कोई नहीं जानता, लेकिन दिल का दौरा यूं ही नहीं पड़ता, खासकर तब जब सुष्मिता खुद इतनी फिटनेस फ्रीक है। एक्सरसाइज से उनका दिन शुरू होता है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सुष्मिता जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।